और आज पूरा राज्य कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर चौराहा,
हर गली सब जगह कचरा ही कचरा दिख रहा है और उनकी इसी आदत की वजह से हमारा दुश्मन कालकेय दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे कैसे लड़ेंगे महाराज? हमारी आधी सेना इस वक्त सिकली ऊपर है। जो सैनिक तंदुरुस्त है उनके यहाँ कोई न कोई बीमार है। हम पहले ही 2-3 बार मूंग की खा चुके हैं। कालके की सेना के नाम सुनते ही सबके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भूपाली, तुम दोनों यहाँ कहो क्या काम है? महाराज, हमको यह बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। हमने इसका घर ढूंढना चाहा, लेकिन हमको नहीं मिला। सोचा शायद आप हमारी कुछ मदद कर लें। बजरंगी सुनो, अगर यह स्वच्छता है तो जाओ इसे लोगों के हवाले कर दो। आखिर स्वच्छता उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है और मियां आप कहते हो लोगों की जिम्मेदारी। इसी चक्कर में उसे कोई नहीं अपनाता है। देखूंगा के महाराज, एक काम हो सकता है। कालके की चिंता आप खुद पे छोड़ दो। अरे उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। कालके को तो मैं यूं ही बसल दूंगा, है ना मम्मी? महाराज, ये बजरंगी सही कह रहा है, आप तो बस आदेश दें। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो फिर चलो, जलकार हो। आज या तो ये गंदगी रहेगी या तो फिर हम रहेंगे। समझते क्या है अपने आप को? ये लाफा मारूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि आ रिया है कि जा रिया है। आओ कहता हूँ, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा डेंगू का मच्छर हूँ, फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। वही माँ, लगता है ये बहुत खतरनाक आइटम है। मुन्नी चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं रुको, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालके की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण होगा। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालके जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। बेटा उठा लिया है। आशा है आप भी आज से अभी से अपने वर्कप्लेस, अपने प्लांट में हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और सफाई को बढ़ावा देने के लिए आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।